यूपी में ढेरों ऐसे गैंगस्टर पैदा हुए हैं जिन्होंने सालों तक अपने खौफ से उत्तर प्रदेश में किसी राजा की तरह शासन किया। दबंगई के नाम पर इन बदमाशों ने बाहुबली का तमगा हासिल किया और फिर सफेद पोश बन गए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो या फिर अतीक अहमद हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही गैंगस्टर माफिया और बाहुबली के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के मौजूदा वक्त में चर्चा का विषय बना हुआ है और उसे भी डर सता रहा है अपनी मौत का विकास दुबे की तरह। जिसको क्या बदमाश के बारे में हम आपसे बता रहे हैं, उसका नाम है डॉन अतीक अहमद, जिसने कम उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में अपने लिए पहले तो जगह बनाई। 10 अगस्त 1962 को अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद स्थित चकिया के नाम के मोहल्ला में अतीक अहमद का जन्म हुआ। उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर अपने परिवार चलाया करते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ाई करने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इसी बीच वो इलाके के कई बदमाशों के संगत में आ गया और बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा कहा जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता, हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया, पुलिस और नेताओं से साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वो चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक अहमद को शहर दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। अब उसे इन सबसे बचने का सबसे आसान तरीका राजनीति का लगा और फिर इसने 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और फिर अपना दल में आ गया। अतीक 5 बार विधायक, 1 बार फूलपुर से सांसद रहा। बेटों का भी आपराधिक रिकॉर्ड अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से पहले शादी की। इन दोनों के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबा। इसके 5 बेटों में से 4 बेटों का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जेल में बंद हैं, जबकि 2 बेटे मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबान के बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि ये दोनों है कहाँ। 2 लाख के इनामी मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है। पिछले साल अगस्त में उसने CBI के सामने सरेंडर किया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो चुका है, जबकि 2 बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे रोचक बात यह है कि पुलिस इससे साफ इनकार कर रही है, लेकिन इनकी माँ शाइस्ता परवीन का कहना है कि दोनों को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी और तब से ही दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। AIMIM छोड़ बसपा में शामिल हुई शाइस्ता परवीन साल की शुरुआत में ही। अतीक अहमद की पत्नी जो है परवीन बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी। इसके अलावा बेटे अजम अहमद ने भी बसपा की सदस्यता ली है। चर्चा तो ये थी कि बसपा उन्हें प्रयागराज में मेयर के पद का प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद अब ये होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की थी। खुद ओवैसी ने लखनऊ में उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलाई थी। इसके बाद उन्हें चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। साल 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया, लेकिन बसपा ने उसके टिकट के सामने राज्यपाल को खड़ा कर दिया। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राज्यपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। इस हार को अरशद ही नहीं बल्कि अतीक भी बचा नहीं पाया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राज्यपाल की कुछ ही महीनों के बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हत्याकांड में सीधे सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ का कनेक्शन निकलकर सामने आया। फिलहाल अशरफ उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में बंद है और अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अब मामला इन दोनों के बीच को लेकर जो पेचीदा होता चला जा रहा है, अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जब से उमेश पाल की हत्या की गई है, उसके बाद से लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे पार्ट 2 होगा और अतीक अहमद जब गुजरात से
उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तो रास्ते में उसकी भी गाड़ी पलट जाएगी और उसे भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा। और कई सारे नेता मंत्री इस बात को बाकायदा बयान के आधार पर भी बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा गुंडागर्दी के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं अब बदमाश अगर नहीं सुधरे तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो अतीक अहमद इस वक्त डर रहा है और उसे लग रहा है कि बहुत जल्दी उसका भी हाल विकास दुबे जैसा होने वाला है और वो अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता, ये गुंडे माफिया पहले तो गुंडे ही करते हैं फिर नेता बनते हैं और नेता बनने के बाद जब इनकी सामत आती है तो ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और इन्हें भी अपनी मौत का डर सताता है। तो फिलहाल अब अतीक अहमद जैसे गुंडों का क्या हश्र होना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से ये कहते हैं कि इन बदमाशों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या वो गलत कहते हैं या फिर सही कहते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, थोड़ा सा वीडियो हिल डुल रहा होगा इस वक्त, हम ट्रेन में जैसा हमने बताया एक ही कपड़ा पहन के हम शूट कर रहे हैं हर वीडियो को, तो इन सब चीज़ों से समझौता कीजिए थोड़ा सा और बाकी अपने प्यार को बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए PDF न्यूज़। नमस्कार।